नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल रॉय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं बेटा मोशन इन प्लेन के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखते हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 पर अभी हम है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोला गया है। अ बोट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी, ये दे रखा है बेटा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर, है ना, कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू वॉटर। ठीक, बोला गया है कि एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो द बोट पासेस थ्रू अ पीस ऑफ कॉर्क फ्लोटिंग इन वाटर, है ना, ये पीस ऑफ कॉर्क हो गया हमारा। तो व्हाइल मूविंग डाउन स्ट्रीम, ठीक, जब वो नीचे जा रही होती है तब, ठीक, तो मान लेते हैं कि ये जिस पॉइंट से जा रही है वो ए पॉइंट है, और ये मान लेते हैं कि बेटा ये भी पॉइंट है, और जब वो फाइनल पहुंचेगी तो वो सी पॉइंट। व्हाइल मूविंग डाउन स्ट्रीम इफ इट टर्न्स बैक एट टाइम t1 इक्वल्स टू 30 सेकेंड, अब 30 मिनट, सॉरी 30 मिनट के बाद में वो टर्न बैक होती है, वापस आती है। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि व्हेन द बोट मीट द कॉर्क अगेन, कब वो जो बोट है वो कॉर्क को मिलेगी, कितने टाइम में वो वापस को कॉर्क को मिलेगी। ठीक, तो ये जो कॉर्क है ये किससे मूव कर रहा होगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ वाटर से, है ना, और ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक, तो अपन यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। सपोज मान लेते हैं कि ए टू बी का जो डिस्टेंस है, कहां से कहां तक का डिस्टेंस की बात कर रहे हैं बेटा अपन, ए टू बी का, अगर मैं ए टू बी के डिस्टेंस की बात करूं तो मैंने इसको बोल दिया स्मॉल डी। ठीक, और ये जो कॉर्क मूव किया वो कॉर्क मूव किया बेटा एक्स। ठीक है, तो ए टू बी जब अपनी बोट मूव करेगी तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डी, और वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ वॉटर। ठीक है, ऐसा होगा इंटू T1। T1 कौन सा टाइम है बेटा, A टू B जाने का टाइम हो गया T1, और B टू C जाने का टाइम हो गया T2। ठीक, तो ये बनी हमारी इक्वेशन 1। और अगर आगे बात करें तो जब ये रिटर्न लौट के आएगी, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट इधर होगी और वाटर की पीछे है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, अब जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, देखो डी माइनस एक्स, अब जो बोट मूव कर रहा है वो कितना किया, डी माइनस एक्स, और अब आएगा वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक, इनटू T2। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, तो थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी बेटा अपनी, कि थर्ड इक्वेशन में हमने देखा कि कॉर्क कितना मूव किया एक्स, और कितनी उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोट, और जो टाइम होगा वो कितना होगा, कि टाइम जितना ये बोट गई और वापस आई, तो टोटल टाइम आएगा बेटा T1 प्लस T2। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से पहले खुद से करें, नहीं हो तो बाद में वीडियो चेक करें आप, देखें इसका, है ना, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्लियर। अब तीन इक्वेशन है हमारी, इन तीन इक्वेशन से जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, बाय इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 यहां पर वैल्यू आएगी हमारी T1 इक्वल्स टू T2। क्या वैल्यू आएगी, T1 इक्वल्स टू T2, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा बोट को वापस जाकर आने में, देखो T1 जो है वो जाने का टाइम है, तो अगर टोटल टाइम की बात करें तो कितना आ जाएगा बेटा, 60 मिनट। ठीक, अब कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने या कितना डिस्टेंस ये कवर किया वो हमको चाहिए, है ना, तो हम कैसे निकालेंगे भाई, यहां पर जो है वो कितना चली बोट टोटल, अगर हम बात करें तो कितना बोट चली, तो अपन यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं बेटा कैपिटल डी। अब कैपिटल डी कितना होगा अपना, कैपिटल डी होगा अपना डी गया और वापस कितना आया, डी माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2D माइनस X। ठीक है, अब यहां से स्मॉल डी और कैपिटल स्मॉल डी और एक्स की वैल्यू अपन इन तीनों इक्वेशन से पुट करते हैं। ठीक, तो जब हम इन तीनों इक्वेशन से एक्स और स्मॉल स्मॉल डी और एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा 5 किलोमीटर, कितनी वैल्यू आएगी, 5 किलोमीटर आएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार आप इसको खुद से ट्राई करें। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि कर भला तो हो भला। चलिए।